अमित शाह के घर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के विधायक, होने वाला था खेला। गहलोत का आरोप, शाह भूपेंद्र यादव और जफर इस्लाम ने रची बड़ी साजिश। पायलट गुट के साथ सरकार गिराने की हुई थी तैयारी। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत की तैयारी। गहलोत और पायलट गुट के विधायक आमने सामने। राजस्थान कांग्रेस का सिर फुटव्वल अब सड़क पर आ गया है। अब तक अशोक गहलोत कैंप में विधायक सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उन्हें गद्दार बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि अगर सचिन पायलट को हाईकमान ने सीएम बनाने का आदेश दिया तो फिर बगावत हो जाएगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही चली जाएगी, या तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी या फिर समय से पहले ही चुनाव हो जाएंगे। कुछ भी हो, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और कमजोर कांग्रेस फिर राजस्थान की सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मुकाबला मजबूत बीजेपी से है। गहलोत गुट के विधायक पायलट और उनके समर्थकों पर सीधा हमला कर रहे थे, जिसकी शिकायत सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान से की। राहुल गांधी को बताया कि सोनिया से मिले तो उन्हें भी पूरा किस्सा सुनाया। इसके बाद दिल्ली से नया फरमान जारी हो गया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान में पार्टी विधायकों को सख्त चेतावनी दी, अपने लोगों खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी फैसला लेना है वो पार्टी हाईकमान लेगा, हाईकमान की नाफरमानी भारी पड़ेगी। 3 नेताओं को नोटिस भेजा जा चुका है, आदेश नहीं माना तो फिर 30 को भेजा जाएगा। फरमान का असर हुआ, बयानबाजी कुछ कम हुई, तो अब कमान अशोक गहलोत ने खुद अपने हाथ में संभाल ली है। गहलोत ने पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बारे में वो बहुत कुछ कह गए। संकेतों में ही सही, गहलोत ने भी पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गद्दार करार दे दिया। गहलोत ने कहा कि अमित शाह के घर में मीटिंग हुई थी, ये बात सब जानते हैं। उस मीटिंग में कुछ विधायक भी गए थे। अमित शाह हमारे विधायकों को मिठाई खिला रहे थे, थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहे थे। अमित शाह के घर उस समय धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। होटल से बाहर जाने पर ही 10 करोड़ का ऑफर था। आखिर में सच्चाई की विजय हुई, हमारी सरकार बच गई। हम कैसे भूल सकते हैं सरकार बचाने वाले विधायकों को? 102 विधायकों को कैसे भूल सकता हूँ? गहलोत ने कहा कि मैंने अपना पक्ष सोनिया गांधी के सामने रख दिया है, उन्हें राजस्थान के हालात की पूरी जानकारी दे दी है, फैसला उन्हें करना है, जो फैसला करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन विधायकों के गुस्से को भी समझना होगा। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, जब भी नेतृत्व का बदलाव होता है पुराने की जगह नए सीएम के आने के संकेत मिलने शुरू होते हैं, सब बदलने लगते हैं। उस वक्त 80% विधायक मुख्यमंत्री का साथ छोड़ देते हैं, नया आ रहा है उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। क्या कारण था कि नए मुख्यमंत्री के नाम से ही 102 लोग भड़क गए? इस तरह आज तक कभी नहीं हुआ है। इन विधायकों को क्या डर था, उनके मन में क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि ऐसे नेता का चुनाव हाईकमान कर चुका है जिसे राजस्थान के लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो हार तय होगी, हम लोग प्रचार करने ही सड़क पर नहीं जाएंगे, मतदाताओं को आखिर कैसे मुंह दिखाएंगे, मैं नहीं कर पाया वो कर पाए, विधायकों के भड़कने की नौबत क्यों आई? हमारे नेताओं और सभी पक्ष पर विचार करना चाहिए, विधायक यूं ही गुस्से में नहीं हुए हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, अगर हम ये कमियां दूर नहीं करेंगे तो फिर जीतना मुश्किल होगा। गहलोत समर्थक विधायकों का दावा है कि अगर सीएम बदला गया और अशोक गहलोत के राय को दरकिनार किया गया तो फिर 2023 में जीतना मुश्किल होगा और फिर 2024 में ये मुश्किलें आएंगी। वैसे भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई है और हालात सही नहीं हुए तो तीसरी बार भी यही स्थिति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।